हर हर गंगे दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हरिद्वार के अंदर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आए हैं हर की पैड़ी हरिद्वार में। हरिद्वार जो कि बहुत ही फेमस जगह है तीर्थों में, और जो कि शिव जी की ससुराल माना जाता है, और बहुत ही मनसा देवी भी हैं यहाँ पे, चंडी देवी भी हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक शाही स्नान हो चुका है, कुंभ महाकुंभ का यहाँ आगाज हो चुका है, दो स्नान और भी होने बाकी हैं। तो आज हम आपको सारा घूम के दिखाएंगे। देखिए, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग और कितनी अच्छी ये देख सकते हैं यहाँ पे व्यवस्था है, और लोगों से भी जानेंगे उनकी राय के बारे में, कौन कौन कहाँ से आया है और उनको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए हैं मैम, बताएंगे? दिल्ली। दिल्ली से कब आए थे, कैसी व्यवस्था लगी? बहुत अच्छी लगी, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। कब आए थे मैम? हम लोग कल के आए हुए हैं। जो किसान, जो हमारे श्रद्धालु नहीं आ पाए कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये कोविड से पैनिक ना हो, अपना जो सेफ्टी मेजर होता है उसे हम प्रॉपर फॉलो करें, जो भी गाइडलाइन है उसके हम लोग प्रॉपर फॉलो करें, डरना किसी को नहीं चाहिए। मैम, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है अब की बार? यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, आप पीछे जैसे देख सकते हैं वहाँ पर सैनिटाइजर अवेलेबल है, प्रॉपर यहाँ सिक्योरिटी अवेलेबल है, मतलब कि सबको बोला जाता है मास्क पहन कर रहिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, यहाँ सब कुछ ऐसे ही चलता है, मतलब यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। अब आप कहाँ पर ठहरे हुए हैं, मतलब कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं पर ठहरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। स्वागत है। स्वागत है जी। अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? यशपाल सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हैं यशपाल जी? हम रहने वाले हैं जी यूपी जिला बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर से आए हैं। हाँ जी। अच्छा, कब आए थे? हमें तो यहाँ पर 13 साल हो गए। 13 साल मतलब कहाँ पे हो? यहाँ पर जॉब कर रहे हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में जॉब कर रहे हैं, तो अभी घूमने आए हैं? हाँ जी, घूमने आए हैं। कैसी व्यवस्था लगी? वेरी नाइस। अच्छा है, पहले के मुकाबले, पहले आए थे आप कुंभ में? पहले कुंभ में 2010 में कुंभ था, उसमें भी थे हम। अच्छा, उसकी अपेक्षा बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर, लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है। अच्छा अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए? मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि एक बार हरिद्वार आकर कुंभ का मजा लें, और जो यहाँ पर सरकार ने व्यवस्था करी है उसका आनंद उठाएं। अच्छा, धन्यवाद। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ से हर की पौड़ी दिखाई दे रही है, बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। हालांकि पहले के मुकाबले थोड़ी भीड़ कम है, क्योंकि थोड़ा सा भय का माहौल भी है कोरोना की वजह से। और नीचे देखना, बिल्कुल साफ़ सफाई, कहीं भी आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी। बहुत ही प्रशासन की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट किया गया है अब की बार। ये देखिए, आपको पूरा लाइटिंग में चमाचम दिखाई दे रहा है पूरा हरिद्वार, बहुत मन यहाँ पे लग रहा है। चलिए श्रद्धालुओं से आपकी बात कराते हैं। ये देखिए भाइयों, हम आपको दिखा देते हैं, ये है हर की पौड़ी। ये देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, पानी भी थोड़ा कम कर दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही स्वच्छ। इनसे जानते हैं, आइए इधर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका नाम क्या है? रंजन कुमार मेरा नाम हुआ। रंजन जी कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से इतनी दूर से चल के आए? नहीं, दिल्ली में रहता हूँ, जॉब करता हूँ। अच्छा, मैं अच्छा, अच्छा। अच्छा। कैसी व्यवस्था लग रही है आपकी बार? इस बार का तो व्यवस्था काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ हर कोई आगे, जो ट्रैफिक की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, कोई ट्रैफिक आने नहीं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और जो भी सिक्योरिटी की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे है, और लाइटिंग का व्यवस्था का सब कुछ काफ़ी बेहतर है, हर सालों से बेहतर, काफ़ी बेहतर है। कब आए थे आप? मैं आज दोपहर में आया हूँ। अच्छा, जो श्रद्धालु कोरोना की वजह से नहीं आ पाए उनको क्या कहना चाहेंगे कैमरे की नज़र से? कैमरे, जो श्रद्धालु नहीं आ पाए वो अगर अगली बार सही रहा कोरोना तो आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी यहाँ मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का लगभग फॉलो है, लेकिन काफ़ी भीड़ है तो उतना तो पॉसिबल। अच्छा, भीड़ पहले ज़्यादा थी, आप पहले वाले कुंभ में आए थे 12 साल पहले? नहीं आए होंगे। 12 साल पहले नहीं आए होंगे। ठीक है ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, साफ सज्जा की दृष्टि से मेरे को इस बार यहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा जी जी, और दूसरा सड़कों का चौड़ीकरण वगैरह किया गया है जी, और जो वाहन से लेकर के इस सब की जो व्यवस्था है इस बार ज़्यादा मैनेज्ड, और भी देख रहा था मैं जी, कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने भी वॉलंटियर किया कि इनके साथ व्यवस्था में मिल करके और उस तरह से सपोर्ट करें, तो काफ़ी अच्छा हुआ है। बस हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।
नमस्ते। कहाँ से आए हैं? यहीं के हैं। यहीं के कहाँ के? हरिद्वार के। हरिद्वार के हैं। कैसी व्यवस्था है? ठीक है सब, कोरोना में पीट दिया सब माँ को। आप तो कंबल ओढ़ के घूम रहे हैं पूरा मस्ती में, क्या ठंडी हवा लगती है ना गंगा? ठंडी हवा लगती है, तबीयत खराब हो गई। अच्छा, जो श्रद्धालु नहीं आ पाए कोरोना की वजह से, क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? अरे मैं क्या, भक्त तो अपने आप आते हैं ना, जब कहना करो मैंने, किसी कोरोना पर नहीं रुकते, किसी पर नहीं रुकते, जब अब आगे भगत हैं मतलब स्वयं आएंगे। अच्छा, हमें ये बताइए आप, बहुत से श्रद्धालु ये पूछते हैं हमसे, विकास भाई जो वहाँ पे आपको महात्मा जी मिले उनसे ये पूछना, ये जो हरिद्वार नगरी है क्यों प्रसिद्ध है? हरिद्वार क्यों प्रसिद्ध है? बहुतों को नहीं पता, बता दो ना थोड़ा। हरिद्वार लोग तो इसलिए आते हैं ना क्योंकि यहाँ पे तीर्थ परम गति मिलती है जी, गंगा मैया की पावन धार बह रही है जी, और यहाँ नहाने से मोक्ष की गति मिलती है, मोक्ष की गति मिलती है। और दूसरी बात, ये हरिद्वार जो है यहाँ तो सिर्फ साधु संत ही रहते हैं, साधु संतों की नगरी है, मायापुरी इसका पहला नाम था, ये माया नगरी है जी। बाबा जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हरिओमपुरी। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा कि आप एक महात्मा संत बन गए, बताएंगे थोड़ा? अब ये भी इतनी बात मत पूछा, बता दो सर क्या हुआ। हमारी इच्छा थी, हम लोग बचपन के साधु हैं, इच्छा है ना, वही है ना सबकी इच्छा होती है। हाँ तो इच्छा से ही बनता है, कोई ऐसे बिना इच्छा के नहीं बनता है। ऊपर से पूर्ण आता है ना गॉड गिफ्ट, हर एक को थोड़े मिलता है। सही बात, तो गॉड गिफ्ट होता है जो बिरला को ही मिलता है जी। सही बात, नहीं तो ये तो संसार वाले हैं ऐसे ही जी। क्या ये तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, इनका क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जा खुश रहो। तुम लोग क्या यूट्यूब चलाते हो? हाँ यूट्यूब चलाते हैं। आइयो, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इसी प्रकार की कुंभ नगरी की सारी वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को इस वीडियो को शेयर करें। जय गंगा मैया।